सिंध के निगरान घरु वजीर हारिस नवाज सकरन वेझो माड़ी जलबाणी में मारजी वेल चईन गोठान के दहशतगर्द करार दियण ते माफ़ी वठी मकतूल के वारसन के 80-80 लख जख्मियों के 20-20 लख रुपया मुआवजो दियण जो ऐलान किया है। निगरान घरु वजीर हारिस नवाज आईजी सिंध रिफत मुख्तार कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद सजाद हैदर शाह डीसी एसएसपी से गजी गोठ माड़ी जलबाणी पहुंची मारजीवेल गोठान के वारसन से ताजियत कई। ताजियत का निगरान घरु वजीर हारिस नवाज मारजीवेल चईन गोठान के दहशतगर्द करार दियण ते वारसन का माफ़ी वरती। उन मौके से निगरान घरु वजीर हारिस नवाज चयो तो मारजीवेल चईन गोठान के वारसन के मुआवजे तौर 80-80 लख जख्मियों के 20-20 लख रुपया दिना वा। उन्हें वाक़े की मुकम्मल जांच कराई वी। सिंध निगरान वडे वजीर तरफा जोड़ियल कमेटी की रिपोर्ट जो इंतजार कर पे वे। संद चवण तो फायरिंग में मारजीवेल गोठान के दहशतगर्द करार दियण ते माफ़ी वठे तो मकतूलन के शहीद करार दियण में का भी हबक ना है। निगरान घरु वजीर हारिस नवाज चयो तो निगरान वडो वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर मकतूलन के वारसन से मुलाकात कंदो। उन्हें तो गुझी जान के बुनियाद से जल्दबाजी में कार्रवाई कई वही अड़ी कार्रवाई जो तरीक़ेकार हों। निगरान घरु वजीर हारिस नवाज चयो तो फोतिन के वारसन से दाखिल कल केस वापस वरतो इंदो सनन बाड़न के तालीम अजारी मिली। देखिए बात होती है इस वक्त मैं इन चीज़ों में डिस्कस नहीं कर रही, यहाँ पर मैं सिर्फ ताज़ियत के लिए आया हूँ और हम सब जो भी है इंक्वायरी भी हो रही है वो भी आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि क्या वजह थी मुझे भी पता है कि क्या वजह थी कि कौन आया था कैसे जा रहे थे। यस तरीका कार्रवाई ये होती है जो हमेशा जनरल बात करो, मैं कोई इस पर डिस्कशन नहीं। देखें हमने ये बात किया था कि क्रॉस फायरिंग हुई है वहाँ पर या वहाँ पर उनको रेंजर्स के, मैं असल में इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता कि वहाँ पर क्या हुआ कितना किसको मारा गया कैसे हुआ क्यों फायर हुआ, हमें सब डिटेल हमने क्या कर दिया भाई। जब इंक्वायरी आ जाएगी इसलिए मैं क्या मैं रुक गया हूँ एक हफ्ते के, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि इनका कितना नुकसान हुआ है खासतौर पर जानी नुकसान हम रिकॉगनाइज करते हैं। हुकूमत ने भी इस बात को बड़ा रिलाइज किया और ख़ासतौर पर हम यानी कॉम्पटिशन नहीं होती है इसकी किसी किस्म की भी, ये नुकसान हुए जो हम मदद करना चाहते हैं ठीक है ना, और ये उस तरह की मदद करना चाहते हैं कि अभी आराम से ज़िंदगी गुजारे इनका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशली इनके लिए अनाउंस किया है कि जिस चीज़ का मरल बच्चे मरे हैं उनको 80 लाख रुपए को एक को देने, यानी कि हमको छोटे मोटे देने इसलिए कि हम समझते हैं कि इनको पालक चाहिए ब्रेड अर्निंग मेम्बर्स हैं इनकी और वो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो 4 लोग जख्मी हुए हैं उनके लिए भी हम 20-20 लाख रुपये उनके नाम देंगे। इनको हम सबको इंशाल्लाह कराची बुलाएंगे, यहाँ से अरेंजमेंट करके जाएंगे डीसी के कमिश्नर साहब हैं डीए साहब हैं वहाँ जाके चीफ मिनिस्टर खुद इनसे मुलाकात करेंगे ताजियत करेंगे और उसके बदले मौका पर पैसे देंगे। और ये जो हम कह रहे हैं ये इस पर कोई डाउट नहीं है, अफसोस है हर लिहाज से। इस वक्त मैं कोई वो बात नहीं करना सियासत की किसके क्या हुआ, इस वक्त हम चाहते हैं कि रियली हम मरम रखने आए हैं और खुला सब तक अनाउंस कर रहे हैं हम ठीक है। और ये स्पेशली फिर साहब ने हमने सब ने चीफ ने तो खुद कहा कि नहीं उनको कॉम्पेंसेट पे इतना करें कि वो जो उनका नुकसान है वो आराम से अपना पूरा आराम से बैठ के खर्च कर सके। शहीद तो कोई भी हमारे को क्यों नहीं कहेंगे, ऐसी कौन सी बात है कि वो जहाँ मारे गए हैं जख्मी हुए हैं कुछ मर भी गए हैं बिल्कुल शहीद है, इससे कौन सी ऐसी बात है। ये कोई इस वक्त मैं आपको कहूँ देखें ऐसी बात इस मौके पर हमें कोई चुपती बात नहीं करनी चाहिए, मैं एक लफ्ज भी बोलूँगा कुछ मुझे भी पता है डिटेल्स, लेकिन क्योंकि हम इनके ताजियत के लिए आए हैं तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है ऐसे मौके में इनके साथ खड़े होना इनको जो मदद करना, इसलिए कि उनकी ब्रेड अर्निंग मेम्बर थे जो रोज़गार लड़के जवान लड़के करते हैं वो नुकसान हुआ है, इसलिए इस लिहाज से मैं आए हैं खासतौर पर कराची से आए हैं ये इनके साथ खड़े होने के लिए। एक्चुअली चीफ मिनिस्टर साहब चाइना गए हुए हैं 1 या 2 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद कमिटी इनको खुद लेकर वहाँ आएंगे और आप सबके सामने ये इनको जो भी मदद है वहाँ करेंगे जो हमारा फर्ज भी बनता है कि अगर जहाँ भी नुकसान हुए तो हमारे अभी हमारे लोग हैं हमारे पाकिस्तान के लोग हैं सिंध के लोग हैं हम इधर खड़े हैं और आइंदा के लिए भी इनका हर लिहाज तहफ़ भी किया गया है। कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की मेरे बड़ी क्लीन इंस्ट्रक्शन है कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर DIG SSP हर वक्त आप लोग के साथ खड़े होंगे, ये खास तौर पर इनका ख्याल रखिएगा ठीक है। तो वो है और बाकी जो हमने अनाउंस किया ये अच्छी खासी कसीर रकद है सोच समझ के की है कि कम अज़ कम इनको आइंदा के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। 80 लाख रुपया एक एक जो मरा है उसके बारे में और 20 लाख रुपए जो जख्मी हुए हैं और फिर एक एक सिबलिंग की जो है इनकी जो बच्चे हैं उनको हम उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी। मकतूल के वारसन चयो तो फायरिंग में मुलस अहलकार के बख्श न कहे वो वाके में मुलस जवाबदार के सजा मिलन घुर्ज सजा दे ना ये छी घनी आऊँ बैठा पुछा कर बाबा
जिके मार में सीधा विधान वो छल्ला को ना सही वा मुचे वा आ कोर्ट कुछ नहीं सुन जी जी ट्रे भाई ट्या एक रो न्याणो वा एक रो न्याणो मां में जी पुत्र ट्रे भाई ट्या हां कदा सु हां भले सजा मिलन खपे जरूरत इन गाल जी आए तो मामले जी शफाफ जांच कराए वाक्य में मुलस किरदारन के वाइखो कयो वने जी बेर एड़े किस्म जो वाक्य पेश न जी सके। कैमरामैन रफाकत आराई सा जुल्फकार खास के लिए सिन टीवी न्यूज़ नवाबशाह।